समंदरी तूफान बाइपा जॉय कराची से 350, केटी बंदर से 300 और ठट्टा से 360 किलोमीटर दूर। कल केटी बंदर और भारतीय रियासत गुजरात से गुजरेगा। समंदर में शदीद तुगयानी, हिफाजती पुश्तों पर दबाव। केटी बंदर में हिफाजती बंद का आधा हिस्सा टूट गया। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने का खदशा। जिला इंतजामिया ने केटी बंदर मुकम्मल खाली करा लिया। गुलारची की साहिली पट्टी से तीसरे रोज भी इनखला जारी। बाइपा जॉय भारत के करीब, खौफनाक लहरें, तूफानी हवाएं और मूसलाधार बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 11 अफराद हलाक। दरख्त और बिजली के पोल्स गिर गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल। गुजरात में एमरजेंसी नाफिज। 40,000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। साहिल से 10 किलोमीटर दूर तक का इलाका खाली करवा लिया गया। तालीमी इदारे और ट्रेन सर्विस बंद। 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। समंदरी तूफान और बारिशों का खदशा। इलेक्शन कमीशन ने मेयर कराची के इंतखाब के लिए पोलिंग स्टेशन तब्दील कर दिया। इंतखाब अब केएमसी हॉल के बजाय आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में होगा। पोलिंग कल होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का मुआयना। 11th एवेन्यू का संग बुनियाद। श्रीनगर हाईवे पर ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह किया। IGP रोड की तामीर नौ के मंसूबे का भी इफ्तिताह। सड़क का नया नाम कर्नल शेर खान शहीद रोड होगा। शहबाज शरीफ कहते हैं पिछली हुकूमत ने तमाम मंसूबों को ठप कर दिया था। खैरपुर के सरकारी अस्पताल में छत का प्लस्तर गिर गया। 3 इंक्यूबेटर्स टूट गए। इंतजामिया के मुताबिक प्लस्तर बच्चों के पैरों पर गिरा, तश्वीश की कोई बात नहीं। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तारीखी मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद रिहाई। 37 मुकदमात में फर्द जुर्माइद कर दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम इल्जाम मुस्तरद कर दिए।